नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, राजस्थान के अंदर एक और बहुत बड़ी भर्ती निकली है, वह है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, जिसका विस्तृत विज्ञापन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसके अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ नया ऐड हुआ है, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 1760 पदों के अंदर LDC भर्ती की काफ़ी दिनों से मांग थी और वो LDC की भर्ती अब आ चुकी है, और जिसका पे बैंड आप यहाँ देख सकते हैं 14,600 और फिर लेवल 5 के अनुसार 20,000 से लेकर 6,500 तक दे होगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, यानी काफ़ी अच्छी भर्ती है और ये सभी विभागों के अंदर निकली है। और इसका वरीयता क्रम भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। आप यहाँ आरक्षण के ये बैकलॉग देख सकते हैं। साथियों, आगे बात करें इन भर्ती के अंदर, प्रथम वरीयता राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर दी जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ये वरीयता क्रम है, इन तमाम को जोड़कर 1760 पदों पर यह भर्ती आई है। और इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, मस्ट बी ग्रेजुएट, और आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, यानी कि 12th पास को इसमें कोई मौका नहीं दिया गया है। आयु आपको पता ही है, 18 से लेकर 40 वर्ष तक कोई भी एलिजिबल है इसके अंदर, जबकि अन्य जातियों को आरक्षण दे है, आरक्षण के तहत उनको छूट मिली हुई है। और परीक्षा शुल्क सामान्य आर्थिक कमजोर वर्ग सभी का 500 रुपये है, जबकि अन्यों का 350 रुपये है, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। और परीक्षा शुल्क की वापसी नहीं होगी, जैसा कि रेलवे के अंदर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका पैटर्न क्या होगा, हिंदी 100 अंक की आएगी, इंग्लिश 100 अंक की आएगी और जनरल नॉलेज 100 अंक का आएगा। ये साथियों आप ध्यान रखना, अगर आप SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपको 300 में से 120 नंबर लाने जरूरी होंगे, और अगर आप अन्य कैटेगरी से है तो 135 अंक लाने जरूरी होंगे। ये आप खासतौर पर ध्यान रखना, और परीक्षा की ड्यूरेशन 2 घंटे होगी। साथियों, सभी जो ये पार्ट हैं हिंदी इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इनमें से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। और ओमार सीट से ये पेपर परीक्षा ली जाएगी, और यहाँ आप ध्यान दीजिए, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन रिटर्न टेस्ट। पहली बार हो रहा है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आप यहाँ सिलेबस भी देख सकते हैं, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसकी मैं आपको पता ही है 5 मिनट के अंदर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर एफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 मिनट का, और ये 100 नंबर का होगा, यानी टोटल 400 नंबर की कट ऑफ बनेगी। इनमें SC ST के लिए 20 नंबर आने जरूरी है, और अदर स्टूडेंट है, अदर कैंडिडेट है, अदर कोई है, तो उन्हें 22 नंबर लाने जरूरी होंगे। तो ये था आपके लिए खबर कि राजस्थान के अंदर एक भर्ती है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अपने परिवार के कोई अन्य तैयारी करें उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, क्योंकि अभी तक किसी को पता भी नहीं है, और ये विस्तृत विज्ञापन अभी आया ही है। और इसके ऑनलाइन आवेदन की सीमा भी आपको बता दूँ कि 30 तारीख इसी महीने से स्टार्ट हो रही है, वो 27 तारीख तक चलेगी अगले महीने तक।